बात छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट की, जहां कल उपचुनाव के लिए वोटिंग होना है और इसके लिए अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। 12 घंटे से भी कम वक्त बचा है अब चुनाव की वोटिंग के लिए। उपचुनाव की मरवाही सीट पर जो वोटिंग होना है, कल इस पर वोटिंग होगी सुबह 7 बजे से। बता दें आपको, मरवाही सीट पर 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। हालांकि सीधा मुकाबला कांग्रेस भाजपा में सीधा मुकाबला है और कल उपचुनाव के लिए जो वोटिंग होगी सुबह 7 बजे से, उसके लिए तैयारियां लगभग अब पूरी कर ली गई हैं। जो मतदान केंद्र हैं वो करीब करीब पूरी तरह से तैयार हैं। यहां पर वोटरों के लिए व्यवस्थाएं खास तौर पर की गई है। बात करें कुछ खास तैयारियों की, तो मरवाही सीट पर होने जा रहे उपचुनाव की वोटिंग के लिए 1,90,000 से ज्यादा वोटर्स कल अपना वोट डालेंगे। मरवाही सीट पर 93,733 पुरुष मतदाता तो 97,267 महिला मतदाताएं वोट डालेंगी। वोटिंग के लिए करीब 286 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 126 सेंसिटिव संवेदनशील मतदान केंद्र है। हम रुक करेंगे इस खबर पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। हमारे साथ उमेश मौर्य हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। उमेश, अब देखा जाए तो लगभग 12 घंटे से भी कम वक्त बचा है, कल सुबह 7 बजे से मरवाही सीट पर वोटिंग जो है मतदान के लिए उपचुनाव के लिए शुरू हो जाएगी। ओवरऑल तैयारियों की बात करें, किस तरह की तैयारियां आपकी गई है? देखिए, जिला प्रशासन ने तमाम मतदान केंद्रों में व्यवस्था कर दी है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए भी पीपी किट और मास्क और सैनिटाइजर के का भी वहां पर रखा गया है, व्यवस्था की गई है, ताकि जो मतदाता मतदान करने आएंगे उन्हें पर्याप्त व्यवस्था की जाए, संक्रमण को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसके अलावा आपको बता दूँ कि जिले में 1,91,000 मतदाता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा महिलाएँ मतदाता है 97,267 है और पुरुष मतदाता जो है 93,733 है। वहीं थर्ड जेंडर की बात करें तो यहाँ 4 थर्ड जेंडर है। कुल मतदान केंद्र 286 बनाए गए, जिसमें 126 जो है संवेदनशील है, वहां पर जिला प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्था की गई है, वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है और इसमें लगभग 5,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। बस महज अब से 12 घंटे बाद यहाँ मतदान शुरू होने वाला है, उसे लेकर जो डोर टू डोर कैंपेन जो कर रहे हैं मतदाता जो प्रत्याशी है वो पहुंच रहे हैं। आखिरी वक्त पर भी वो पूरी जोर लगा दिए हैं इस मरवाही उपचुनाव को जीतने के लिए। इसमें कुल 8 प्रत्याशी मैदान पर उतरे हुए हैं, जिसमें मुख्य जो मुकाबला होगा वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच होगा, जिसमें कांग्रेस से के ध्रुव और बीजेपी से डॉक्टर गंभीर है इस मैदान पर उतरे हैं। पिछले अगर 2018 चुनाव की बात करें तो इसमें कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी, भारतीय जनता दूसरे नंबर पर थी और जनता कांग्रेस जो जोगी कांग्रेस की पार्टी थी, जिसमें अजीत जोगी जी ने 74,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। तो कहीं ना कहीं अब ये इस पूरे चुनाव से अजीत जोगी बाहर है, अमित जोगी बाहर है, जोगी कांग्रेस बाहर है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि इन दोनों जो मैदान पर उतरे कांग्रेस और बीजेपी है, ये दोनों की नजरें उनके वोटों पर होगी और उनका वोट ही डिसाइड करेगा कि आखिर कौन इस मरवाही के उपचुनाव में विजयी होता है। जी, लेकिन ओवरऑल हम अगर उमेश ये भी देखें, जिस तरह से सियासत में मरवाही सीट पर हम पहले देख रहे थे त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन जाति प्रमाण पत्र मामले में JCCJ उम्मीदवार अमित जोगी, उनकी पत्नी रेणु जोगी के बाहर होने के बाद अब सीधा मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच है। कल तक काफी चुनाव प्रचार भी हुआ, रमन सिंह ने, भूपेश बघेल ने अपने अपने राजनीतिक दलों के लिए प्रचार किया। क्या आप मानते हैं कि सत्ता में कांग्रेस है इसलिए शायद उसे एक बढ़त मिल सकती है इस सीट पर, या फिर विपक्ष में बैठी बीजेपी जो जोर शोर से मुद्दे उठा रही है और मरवाही सीट जीतने की बात कह रही है, फायदा मिलता दिख रहा है JCCJ के समर्थन के बाद? सियासी गणित क्या कह रहा है? देखिए, निश्चित रूप से सत्ता पर बैठी है, पिछले एक महीने से यहाँ पर तमाम कांग्रेस के जितने बड़े मंत्री हैं, विधायक है, संसदीय सचिव, वो यहाँ पर एक महीने से तैनात हैं और तमाम जो कार्यकर्ता है यहाँ पर JCCJ के जो कार्यकर्ता है उनको अपनी अपनी टीम में शामिल कर लिया है, कांग्रेस में शामिल कर लिया, भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं एक महीने की जो इनकी गणित है उसका कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। लेकिन अभी जो समीकरण अचानक से जो बदला है, जिसमें रेणु जोगी, अमित जोगी को उनके जब वो न्याय यात्रा निकालना चाह रहे थे तो न्याय यात्रा में उनका समर्थन नहीं मिला, उनके जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया गया, वो इस पूरे इस चुनावी मैदान से ही बाहर हो गए। तो ऐसे में अब जब कि जोगी कांग्रेस ने पूरा साथ अब
बीजेपी को दे दिया है। खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि अब उनका समर्थन जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी को, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को भी मिलेगा। जो ये देखा जा रहा था लगातार कि यहाँ पर से अगर जोगी कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार जीतेगा तो वो 100% इस चुनाव को जीतेगा, ऐसा माना जा रहा था, लेकिन अब इस पूरी चुनावी मैदान से वो बाहर हो गई। तो ऐसे में अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है, तो कहीं ना कहीं जोगी कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर यह ऐलान किया है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी को अपना सपोर्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो अब ये जो पूरा चुनाव है वो टफ हो चुका है, और ये बहुत अब समझ पाना मुश्किल है कि मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है, वो किनको वोट करेंगे, ये तो 10 तारीख के बाद जो परिणाम आएगा उसमें ही पता चल पाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका उमेश हमारे साथ इस खबर पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो मरवाही का महासंग्राम, एक तरफ बीजेपी के डॉक्टर गंभीर सिंह हैं चुनावी मैदान में, तो उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी के ध्रुव, कृष्ण कुमार ध्रुव, दोनों ही डॉक्टर हैं और दोनों ही कितना कमाल दिखा पाते हैं ये देखना होगा 10 तारीख के चुनाव परिणामों में।